गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे अवर टॉपिक इज सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारा हमारे माइंड पर कितना ज़्यादा कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल की वजह से हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास कितनी टेम्पटेशन है, या हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, या हमारे आसपास क्या चल रहा है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड की करते हैं। जो हमारे दिल में आता हम वही बात करते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे का सेल्फ कंट्रोल अच्छा होगा तो वो क्या कर सकता है कि वो कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या किसी गेम में या स्टडी में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल की वजह से हमारी कोई भी अगर बुरी आदत है वो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सुधार सकते हैं, ठीक है। अपनी बुरी आदत को हम डेली लाइफ में, अगर सेल्फ कंट्रोल को अगर हम रेगुलर यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं, एक बुरी हैबिट को सुधार सकते हैं, ठीक है। हम एक डिसिप्लिन में रह सकते हैं। अगर मान लो हम स्टडी की बात करें तो हम अगर डेली लाइफ में एक टाइम टेबल बना लें कि हमें इतने घंटे पढ़ना है या इतने इतना टाइम खेलना, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में क्या है, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर डेली लाइफ में इसको डेली यूज़ करें, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।